हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट बेसिक्स। दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग आफ्टर अ लॉन्ग गैप एंड नाउ देर इज अ वेरी गुड रीजन आल्सो टू कम विथ अ न्यू वीडियो। द रीजन इज एल आई सी आई पी ओ। जैसे आप सबको मालूम है 4 मई को ओपन हो रहा है और ये 9 मई को बंद होएगा। आई पी ओ लॉट साइज 15 शेयर्स है। रिटेल और एम्प्लॉय कैटेगरी में 45 रुपीज का डिस्काउंट है पर शेयर और पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपये का डिस्काउंट है पर शेयर। अभी तक आईपीओ में ऐसे रूल्स थे कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, एक पैन नंबर में एक ही एप्लीकेशन हो सकता है। यू कैन नॉट गो फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। किन ये एल आई सी आई पी ओ में मल्टीपल एप्लीकेशन के प्रोविजन्स हैं वो कैसे हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो और रेसिडेंट इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं वापस ही रिपीट करता हूँ, मल्टीपल एप्लीकेशन कैसे पॉसिबल है जिसका ऑफिशियली एल आई सी आई पी ओ में प्रोविजन किया हुआ है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो और आप पॉलिसी होल्डर एम्प्लॉय के साथ, अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो और तीसरा आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ पॉलिसी होल्डर हो तो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। एम्प्लॉई और पॉलिसी होल्डर को यही ध्यान रखना है कि आइदर वो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं या एचएनआई कैटेगरी में, दोनों में पॉसिबल नहीं है। सो एम्प्लॉय के लिए 3 कैटेगरी है, एम्प्लॉय अगर वो पॉलिसी होल्डर है तो पॉलिसी होल्डर या रिटेल और एचएनआई, 3 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है या एज ए रिटेल इन्वेस्टर हो या एज ए एचएनआई इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है। दूसरी एक नई चीज़ है कि 1 मई से नया प्रोविजन आया है सेबी का, एक नई कैटेगरी बनाई उन्होंने एचएनआई कैटेगरी में, एक नई कैटेगरी बनाई है। वो कैटेगरी का नाम है अगर आप 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक एप्लीकेशन कर सकते हो तो न्यू कैटेगरी है एचएनआई कैटेगरी। और इसमें खास बात है कि इसमें भी अलॉटमेंट के काफ़ी चांसेस है। जो टोटल अलॉटमेंट रहता है एचएनआई कैटेगरी में उसका 1/3 अलॉटमेंट, समझो 75 लाख शेयर्स एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो उसके 25 लाख 1/3 शेयर जो न्यू एचएनआई कैटेगरी है उसमें रिजर्व किए हुए हैं। तो आप 2 लाख से 10 लाख में अप्लाई करोगे तो एक अलग कैटेगरी बन जाएगी और उसमें भी लगने के चांसेस इक्वली ब्राइट है, ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू द ओवरऑल ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होता है। डेट्स ऑल अबाउट दिस एल आई सी आई पी ओ। ऑल द बेस्ट, आई होप यू विल ऑल गेट अलॉटमेंट इन एल आई सी आई पी ओ एंड विल ऑल सेल इट एट अ गुड प्रीमियम ऑन लिस्टिंग। Thank you. Have a nice day.